press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. भारत में करोड़ों लोग भीम ऐप का इस्तेमाल करते हैं। भारत सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भीम ऐप को लॉन्च किया है, जो कि UPI पर आधारित है। परंतु अगर आप भीम ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी निजी जानकारी खतरे में है। इजराइल की एक सिक्योरिटी फर्म VPN मेंटर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत के करीब 70 लाख भीम ऐप यूजर्स का डेटा लीक हो गया है। VPN मेंटर का दावा है कि यह डेटा उस वक्त लीक हुआ जब इसे भीम ऐप पर अपलोड किया जा रहा था। VPN मेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 409 GB डेटा लीक हुआ है, जिनमें यूजर्स के आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण पत्र, बैंक रिकॉर्ड के साथ उनकी प्रोफाइल की भी जानकारी शामिल है। जिस वेबसाइट से डेटा लीक हुआ है उसका इस्तेमाल भीम ऐप के प्रचार के लिए कैंपेन में किया जा रहा था। उस दौरान भीम ऐप में बिजनेस मर्चेंट और यूजरों को ऐप से जोड़ा जा रहा था। डेटा अपलोडिंग के दौरान कुछ डेटा अमेज़न वेब सर्विस S3 बकेट में स्टोर हो रहा था, जो कि सार्वजनिक है। अब आइए आपको बताते हैं कि इस डेटा लीक से आपका क्या नुकसान है। इस डेटा लीक के बाद भारत के लाखों भीम ऐप यूजर्स के निजी जानकारी हैकर्स के पास पहुंच गई है। हैकर्स के पास आपके आधार कार्ड से लेकर बैंक की भी जानकारी मौजूद है। ऐसे में आपको आसानी से हैकिंग का शिकार बनाया जा सकता है। जिन लोगों का डेटा लीक हुआ है उन पर खतरा बरकरार है। हालांकि इस डेटा लीक पर भीम ऐप को बनाने वाले नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। फॉर द लेटेस्ट टेलीकॉम न्यूज सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ।